हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में। और आज मैं बात करूंगा कि जो मेरी लेटेस्ट स्टडी थी, हाउ डार्कनेस विल बी ब्लेस्ड मी, कुछ करके ऐसे मैंने कंसेप्ट का स्टेटस डाला था। सो आपने इंस्टाग्राम पे ये मेरी फ़ोटो देखी होगी ज़रूर, और माइट भी नहीं भी देखी हो तब भी यार ये मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे है। और आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, बिलो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे वहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपका ऐसा ऑसम आर्ट क्रिएट करना है तो आप प्लीज़ स्टे ट्यून्ड रहे इस ट्यूटोरियल में, और मैं आपको पूरा बताऊँगा कि ये ट्यूटोरियल में ये फ़ोटो कैसे क्रिएट करी जाती है, और ईजली एंड ईजिएस्ट वे बताऊँगा मैं आपको। ज़्यादा कहीं मिस गाइड नहीं करूँगा कि आपका टाइम वेस्ट हो और कहीं आप भटके इधर उधर। सो यहाँ ये फोटो है, इसकी शायद आफ्टर एंड बिफोर होगी मेरे पे। वेट, लेट मी सर्च, इसमें नहीं मिल रही है, इसी के अंदर दिखा दूंगा मैं आपको। सो ये फोटो है और इसकी आफ्टर एंड बिफोर कुछ ऐसी है, ठीक है। तो ये मैंने घर में क्लिक कर रखी है, और कुछ ज़्यादा इतना फैंसी नहीं कर रखा फोटो में। अगर आपको जैसा भी लगता हो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें डिस्क्रिप्शन में कि आपको ये फ़ोटो कैसी लगती है। और स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल के साथ, ये सारी लेयर मैं बंद कर देता हूँ। और गाइस, इन सब की PNGs मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अगर टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो। और क्या कहते हैं कि वहाँ पे जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो अगर आपकी लिंक नहीं खुल रही है तो प्लीज़ यार आप चैनल को देखें, क्योंकि वो गूगल क्रोम से खुलता है। कहीं आप किसी और ब्राउज़र से खोलें, गूगल क्रोम से जाएं, और टेलीग्राम ऐप आपके फ़ोन में होनी चाहिए। सो सबसे पहले यहाँ चीज़ होती है कि मैं अपने आप को कटआउट करूँ। तो कटआउट यहाँ मैंने कर लिया है। बेसिकली यहाँ वाला कटआउट पहले वाले कटआउट जैसा नहीं है, यहाँ का कटआउट थोड़ा, ये आप से देख सकते हैं, फेडेड टाइप कटआउट है। यहाँ पे मैंने पूरा रफली कर रखा है कटआउट, मैंने अच्छे से नहीं करा है कि मतलब मेरे जो पीछे का पार्शियल बैकग्राउंड दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से कटआउट करूँगा तो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ कुछ ऐसे सॉलिड होएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सॉलिडिटी नहीं चाहिए मुझे अपनी फ़ोटो में अभी, क्यों नहीं चाहिए मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी सी देर में। जब मैंने यहाँ पे अपना बैकग्राउंड डाला था तो अब आप देख सकते हैं यहाँ सॉलिड बन गया है मेरा पूरा बॉडी, और कहीं वो छुपी चीज़ें नहीं दिख रही हैं जो यहाँ आनी चाहिए थी। और इसका एक और रीज़न है कि यहाँ जो ये बैकग्राउंड का कलर है ना, वो मेरे अंदर ब्लेंड हो गया है जिस तरीके से मैंने इसे कटआउट कर रखा है। तो ये बहुत डिफरेंट तरीका है अगर कटआउट आपने करना है तो ये मैं प्रेफर कराऊंगा आपको कि कैसे करते हैं ये वाला कटआउट। तो आपने ये सेलेक्ट करना है और स्मार्ट रेडियस सेलेक्ट करना है, और जस्ट कॉर्नर कॉर्नर पे जैसे आप करते हैं पेंट, ऐसे ही करते चलिए। ये आपके कॉर्नर एजेस को बहुत अच्छे से फैदर आउट कर देगा, और जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उसको रिमूव कर देगा। और ये पूरा कटआउट जस्ट मैंने 5 to 7 मिनट्स में ही कर लिया था, और ईजिली करा था। और जैसे ये पार्ट्स हैं यहाँ पे ये सब भी उसने बहुत अच्छे से रिमूव करा था। तो ये टूल बहुत बढ़िया है, आप भी यूज़ करके देखें, और इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी आ गई है मेरी इमेज में। तो आपको दिखा देता हूँ ये आफ्टर एंड बिफोर, तो पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ ब्लेंडिंग कम हुई है या नहीं हुई है। तो ये मेनली एंड होली सोली आपका बैकग्राउंड पे डिपेंड करेगा हर टाइम कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। अगर मैं यहाँ पे कोई चटक कलर लेता, माइट लाइट रेड या कुछ, तो यार ये बैकग्राउंड ऐसे वर्क नहीं कर पाता, तब मेरे को अच्छे से सॉलिड कटआउट लेना पड़ता है। तो आपको याद रखना होगा सॉलिड कटआउट आप कब लें और सॉलिड कटआउट आप कब ना लें। तो यहाँ मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ मैंने कर रखा है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, थोड़ा सा करा है मैंने, कोई ज़्यादा हाई फाई फ्रीक्वेंसी सेपरेट नहीं कर रखा है। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का ट्यूटोरियल है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं, पहले से ही वीडियो डली हुई है उस पर। तो यहाँ एक ब्लर लेयर बनाई है मैंने, और फिर उसके ऊपर एक क्या कहते हैं टेक्सचर लेयर है,
और जस्ट मैंने उसे सही से फिक्स कर रखा है, क्योंकि यहाँ आईज के पास थोड़ी सी शेडो ख़राब हो रही थी ये वाली, तो मुझे बस वो अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने जस्ट फ्रीक्वेंसी सेपरेट क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ ये डिफरेंस आया बस फ्रीक्वेंसी सेपरेशन से, थोड़ा आया, ज़्यादा नहीं आया, कुछ इतना नोटिसेबल नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद मेरे को डालना था बैकग्राउंड में कि यहाँ पे ऐसे लाइंस आए, क्योंकि ये नीचे तो डिस्ट्रक्शन टाइप सा हो गया था, लेकिन अब मुझे चाहिए था कि थोड़ा स्काई भी हो, क्योंकि विदाउट स्काई आपकी फ़ोटो इनकम्प्लीट लगती है। और एक प्रोपोर्शन बताता हूँ मैं आपको कि आपने कैसे हमेशा नो करना है कि आपकी फ़ोटो का प्रोपोर्शन अच्छा है और सही है, तो ये होता है प्रोपोर्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमेशा आपका ये 1/3 हमेशा आपका स्काई होना चाहिए, तो थोड़ी इमेज अपीलिंग लगती है। और ये नीचे वाला 1/3 आपका जो भी होता है क्या कहते हैं बैकग्राउंड होना चाहिए, अच्छे से मतलब विजिबल होनी चाहिए चीज़ें की क्या क्या है। और ये वाला जो मिड पॉइंट है यहाँ पे आपका हमेशा वो पार्ट होना चाहिए जिस पे आपको फोकस करना है, जैसे मेरा हैंड है यहाँ पे, तो मुझे इसी पे फोकस करना है, तो ये पार्ट यहाँ पे, और ये वाला जो बॉक्स है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये मेन बॉक्स होता है। यहाँ आप सबसे पहले जो भी अटेंशन जाएगा किसी बंदे का, वो फर्स्ट बॉक्स पे जाता है। तो हमेशा आप याद रखें कि आप इस वाले बॉक्स पे क्रिएट करें या इस वाले बॉक्स पे क्रिएट करें, मिड में भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें इधर तक भी आनी चाहिए जो भी आप एडिट करें। ठीक है, तो ये कभी कभी फॉलो होता है, कभी कभी नहीं हो पाता है, कभी फ़ोटो की वजह से हो पाता है, कभी नहीं हो पाता, तो इस बार मैंने फॉलो कर रखा था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर मैंने बैकग्राउंड मैचिंग चालू करी थी, और मेरे को अभी ग्रीन टाइप का फील नहीं पता था। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ थोड़ी और एडिट करी थी, मतलब स्टोन्स डाले थे पीछे जो अभी रियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं, मुझे भी पता है रियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं, लेकिन उन्हें मैं ब्लेंडिंग अच्छे से दे दी है कि कलर के साथ वो ब्लेंड हो गए हैं, कि उनमें कलर आ रहा है जो पीछे का है। ठीक है, तो अभी एकदम से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि फ़ोटो ब्लेंड हो जाए, तो नहीं होगी, वो एक्सपेक्टेशन अभी बदलती नहीं है एकदम से। तो अभी मैंने यहाँ ऐड करी थी ये फायर, तो फायर ऐड बहुत सिंपल तरीके से करिए, ये PNG है, किसी का थंबनेल था ये यूट्यूब, तो मैंने वो डाउनलोड कर रखा है, तो ये आप देख सकते हैं उसका AE वाला लोगो आ रहा है, तो मैंने जस्ट उसमें से कट आउट कर रखी है। और उसके बाद मैंने अंडरलाइन लेयर देखिए कितना सेपरेट कर रखा है, 170 तक, अगर मैं इसे नहीं करता तो आप देखिए उसमें रेडनेस आ रही है, तो वो रेडनेस एलिमिनेट करने के लिए मैंने स्प्लिट कर रखी है, और वो फायर रियली लग रही है, बिल्कुल रियल लग रही है, कहीं से फेक नहीं लग रही है। ठीक है, अब मेरे माइंड में आया था कि ये फायर एक कॉमन सी थिंग थी, कि जो भी बंदा होता है कोई, अगर मान लो नया नया फोटोशॉप में क्रिएट करने आया है, तो वो फायर लगा देता है अपने हैंड पे, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी भी सिमिलर दिखे इमेज, तो मैंने यहाँ ट्राई आउट करा कि मैं विजार्ड की तरह लगूँ। तो विजार्ड की तरह लगने के लिए मैंने यहाँ पे इसको टर्न कर दिया ग्रीन में। अब मेन मोटिव था कि मेरे को पूरी फोटो का ग्रीन चेंजमेंट करना पड़ जाएगा, पूरी कोई ग्रीन करना पड़ेगा, तो ये बहुत मुश्किल टास्क था कि एकदम से ही पूरी फोटो को मुझे ग्रीन करना है, और जस्ट एक विजार्ड लुक के लिए। मैं यहाँ पे भी वेल सेटिस्फाइड था अपने लुक से, मैं इसे कलर क्रिएट करके डाल भी सकता था, लेकिन मुझे विजार्ड लुक चाहिए था, तो यार एक तरीके से ड्रैग हो गई मेरी पूरी फोटोशॉप की, कि हाँ अब पूरा चेंज करना है मुझे। तो इसे चेंज करने के चक्कर में मैंने बहुत पापड़ बेल दिया यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ थी कि मुझे अपना बॉडी को पहले कलर देना है ग्रीन, तो यहाँ मैंने अपनी बॉडी को सबसे पहले ग्रीन कलर प्रोवाइड कराया। और ये ग्रीन कलर कैसे आया, आप जब यहाँ पे आएंगे कर्व्स में आएंगे और ग्रीन में, तो ग्रीन को मैंने देखे बहुत लिफ्ट कर दिया। अगर मैं कोई और चीज़ चुनता, चाहे ये होता, तो मैं ये करता। ठीक है, तो आप मेरा एक सिंपल सा मोटिव समझ गए होंगे कि मैंने ग्रीन कलर कहाँ से लेके आया और कितना सटल था। और फिर जब मैंने
ये अराउंड बिल्कुल सेट मास पे कैसे बैठा है कि बिल्कुल वहीं वहीं पे, तो मैंने इसको क्लिप कर लिया था कंट्रोल दबा के, तो ये सिलेक्शन आ गया था। अब सिलेक्शन आने के बाद फिर मैंने कर्व को मास्क आउट कर दिया था इजीली, बहुत इजीली, और सिंपल एक ब्रश लेंगे आप, और आप ऐसे धीरे 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 पेंट करते जाएं जितना भी आपको ओपेसिटी नीडेड हो यार, तो उसके हिसाब से आप पेंट करते जाएं। मेरे को ये बिल्कुल सही फिट और अच्छा लग रहा था, तो मैंने इतना पेंट कर रखा है। ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद मैंने ये नोटिस करा कि मेरी फ़ोटो में डार्कनेस की कमी है, यहाँ हर चीज़ लाइट है, बिल्कुल लाइट 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 लाइट। तो ये सब चीज़ें यार जब आप देखोगे अपनी फ़ोटो को, आप ये मत सोचो कि मुझे उसकी कॉपी करनी है, उसकी कॉपी करनी है। कॉपी यार बहुत बाद में आती है, बात जब आप के पास आइडियाज़ ख़त्म हो जाते हैं या आपने बहुत ज़्यादा कंसेप्ट बना दिया 500 600, तो तब आपके पास आइडियाज़ रन आउट हो सकते हैं, लेकिन तब भी बहुत सारे हैं, इनफिनाइट यार। डे टू डे चेंज होती है यहाँ पे इंडस्ट्री, को कुछ ना कुछ नया क्रिएट होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने ब्लैक ऐड करने का सोचा, और सिंगल लट जो मैं यूज़ करता हूँ वो है नाइट फ्रॉम डे, और उसकी ओपेसिटी मैंने 50 कर रखी है, तो यहाँ एक नाइट सा लुक क्रिएट हो गया है मेरी फ़ोटो के लिए। और फिर उसके बाद मैंने ह्यू एंड सेचुरेशन डाली थी, यहाँ एक क्रो बिठाया मैंने अपने यहाँ पे कंधे पे, और उसको भी थोड़ा मैंने ग्रीन कर रखा है कर्व से, तो यहाँ देख सकते हैं आप। कर्व को भी मैंने नीचे करा है, और उसके आरजीबी को भी मैंने बिल्कुल नीचे करा है, तो यह हर बार मैं वीडियो में करता हूँ, इसे एक्सप्लेन करने की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती मुझे। तो इसको मैंने नीचे करा है, तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ गया है वहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद मेन पार्ट था कि ह्यूमन सेचुरेशन से मैंने एक और चीज़ और करी थी, वो थी कि मेरे को ये बैंडाना जो मैंने माथे पे पहन रखा था, मुझे इसको भी थोड़ा टर्न करना था ग्रीन, तो यहाँ पे जस्ट मैंने मास्टर और सेचुरेशन से डाउन कर दिया है कलर की, ग्रीन का ज़्यादा इफेक्ट है। सेचुरेशन जितना आप अप करेंगे उतना कम कलर इफेक्ट करेगा, और जितना ज़्यादा डाउन करेंगे उतना ग्रीन अच्छे से इफेक्ट करेगा। तो HSL का बहुत मेजर रोल है, आप सुहेल फोटो के ज़रूर फॉलो करें, तो वहाँ से मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी, और HSL स्लाइडर को थोड़ा जाना था तब जाके मैंने यूज़ करना चालू करा। तो हर आर्टिस्ट को आप फॉलो करके देखें, हर आर्टिस्ट पे कुछ ना कुछ यूनिक होता है। अब उसके बाद मेन मेरे पे वो आ गया कि मैंने अपने आप को तो कन्वर्ट कर लिया ग्रीन में, अब मेन था और क्रो को भी कर दिया था, अब बैकग्राउंड की बारी आ गई। सो बैकग्राउंड के लिए फिर मैंने ह्यू सेचुरेशन यूज़ करी, मैक्स आउट और सेचुरेशन फुल कर दी, क्योंकि मुझे पीछे का ग्लो ही चाहिए था, अगर वो ग्लो नहीं रहता तो मेरी फ़ोटो बेकार थी, मुझे अच्छा लगता ही नहीं, इसलिए मैंने सेचुरेशन अप करी है। और उसके बाद फिर मैंने नीचे भी सेचुरेशन ग्रीन मैच करने की पूरी कोशिश करी थी, और लाइक ये जो नीचे समथिंग ये वुड पड़ी हुई है, तो इसने अलग सा लुक दे दिया, लाइक बॉडीज़ का, डेड बॉडीज़ का, तो ये खुद से जनरेट हुआ लुक है, तो मेरे को बहुत पसंद आया था, और इतना मुझे इस पर वर्क नहीं करना पड़ा। अब मेन चीज़ आती है जो इस चीज़ को पूरा ब्लेंड करेगी, यहाँ तक इमेज रेडी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक आपके बॉडी और फेस पे रिफ्लेक्शंस नहीं होंगी तो यार आपकी फ़ोटो बिल्कुल डैम बेकार लगेगी। तो अब मैंने चालू करी हैंड के नीचे से पेंटिंग, तो सबसे पहला जो मेरा था यहाँ पे शोल्डर पे था ये वाला यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कितना सटल मैंने करा है, और आप बहुत कम 14 का ब्रश लेंगे जब, और फिर ऐसे स्लाइड करेंगे धीरे धीरे, ये देख सकते हैं आप कितना स्लो स्लो है, ठीक है। ऐसे लाइक धीरे धीरे आप स्ट्रोक जब जनरेट करेंगे, और उसके बाद ओपेसिटी को लो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे भी लगता है कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं करना, तो ये सॉफ्ट राउंड प्रेशर है, और ये यही जनरल ब्रशेज हैं जो आप, ये जनरल ब्रशेज हैं, इन्हीं की कॉपी यहाँ पे रख रखी है मैंने, डॉज एंड बर्न के नाम के अलग फोल्डर में आ रखा है,
जिसमें मैं इनसे बस डॉज एंड बर्न करता हूँ, है यही सेम ब्रशेज, ये कोई अलग नहीं है इनमें से। ठीक है, तो यहाँ मैं सॉफ्ट राउंड प्रेशर ब्रश लेता हूँ और आप देख सकते हैं कितने प्यार से अब वहाँ स्ट्रोक जनरेट हो रहे हैं। मैं जितना हल्का स्ट्रोक लूँगा उतना हल्का बनेगा, तो डिपेंड करता है कि आप कितने हल्के स्ट्रोक लेते हैं और आप क्या यूज़ कर रहे हैं, माउस यूज़ कर रहे हैं। और माउस की यार मैंने बहुत देखा है कि बंदों को नहीं हो पाता माउस से, तो माउस के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आप जब यहाँ पेन टूल पे जाएंगे और यहाँ से एक कर्व ड्रॉ करें, ठीक है, फिर राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ करें। जब आप स्ट्रोक पाथ करेंगे आपको ये सिमुलेटेड प्रेशर का ब्रश दिखेगा, ठीक है, तो इसको ज़रूर हिट करें। ओके, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट डिलीट पाथ कर दीजिए, तो आप पे एक बहुत प्यारा सा स्ट्रोक बन जाएगा जैसा हम टैबलेट से बनाते हैं। तो माउस यूज़र्स के लिए भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं होता यार हमसे नहीं होता, हमारा नहीं है, आप पे टैबलेट है तो बहुत अच्छी चीज़ है। यार टैबलेट में आपको 3 गुना ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ती है माउस के कंपैरिजन में, क्योंकि ये धीरे चलता है और इसमें हर पॉइंट पे आपको खुद जाकर करना पड़ता है। माउस लाइक एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तब भी मैं प्रेफर करता हूँ टैबलेट, क्योंकि मुझे चीज़ें धीरे धीरे करने में ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि उससे कंसिस्टेंसी क्रिएट रहती है और आप धीरे धीरे हर चीज़ को समझते भी हैं और अच्छे से करते भी हैं। अब उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये जब क्रिएट करा था तो उसी को मैंने थोड़ा ग्लो और कर दिया, क्योंकि ये नियर बाय है फायर के, तो जब नियर बाय है तो यार यहाँ पे ज़रूर आएगा। ठीक है, और वही सिंपल टेक्निक, ब्रश लो धीरे 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 स्ट्रोकिंग, ठीक है, और ओपेसिटी को ज़रूर ओवर वेरी करके देखें जो बेटर रहेगा। अब यहाँ ये मेरा पूरा ग्लो का मेन है, तो यहाँ मैंने ग्लो ये सब चीज़ें कर रखी हैं, तो आप उनको स्टेप बाय स्टेप लेके जाता हूँ। पहले आइज़ का दिखाता हूँ, तो आइज़ एक कैची पॉइंट होता है हमेशा एक फ़ोटो का, तो आइज़ को मैंने यहाँ ओवरले कर रखा है और जस्ट वाइट ब्रश से मैंने पेंट कर रखा है, तो आप देख सकते हैं कैसा एस्थेटिक लुक क्रिएट हो गया है एकदम सही आइज़ में। अगर मैं नहीं करता तो यार वो इतना अट्रैक्टिव और अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा मैंने और करा था ओवरले, तो यहाँ 35% का है, कुछ ज़्यादा नहीं कर रखा क्योंकि वो ओवर लग रहा था थोड़ा आई में। और फिर मैंने करा है यहाँ पे फेस रिम ड्रॉ, तो फेस रिम कैसे ड्रॉ करा जाता है ये एक मोस्ट क्वेश्चन है जो आस्क रहता है मेरे से हर टाइम। तो यार फेस रिम ड्रॉ करने के लिए मैं आपको बताता हूँ सिंपल टेक्निक्स। यहाँ ओपेसिटी कम कर लें आप थोड़ा, जो भी आपको कम करना है फ्लो या जो भी आपको अच्छा लगता है। मेरा टैबलेट है तो मैं ओपेसिटी को कम करता हूँ फ्लो, क्योंकि हाथों से ही कम हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना स्लोली अगर मैं जनरेट करता हूँ कोई चीज़ तो वो कैसे हो रही है, तो यहाँ आप देख सकते हैं वो एक स्ट्रोक जनरेट हो गया और जो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। अब मैं इसे फैदर आउट कर देता हूँ थोड़ा, तो यहाँ आप देख सकते हैं वो स्ट्रोक कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया है वहाँ पे, और पता भी नहीं चल रहा है कि क्या हुआ। इन शॉर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक स्ट्रोक कैसे जनरेट करते हैं और अच्छे से कैसे पॉइंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ फेस रिम का ये सबसे पहला पार्ट था जो मैंने ड्रॉ करा था और फोटो में ये अच्छा लग रहा था, तो ऐसे ही करते करते मैंने हर जगह फेस रिम ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे, यहाँ पे चिन्स, चिन के नीचे, बैंडना के ऊपर, जहाँ भी लगता है आपको कि लाइट जा सकती है, तो ये आपके पर्सनल उस पर डिपेंड है कि आपको कैसा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जब आप फेस रिम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद कुछ ऐसी ब्लेंडिंग आ जाएगी, तो ये ब्लेंडिंग बहुत सडल होती है और पता नहीं चलती है लोगों को कि फोटोशॉप में है या नहीं है, लेकिन पॉइंट होता है कि हमेशा दिखती है, अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने हेयर्स भी ड्रॉ करे थे, क्योंकि हाँ मेरे हेयर्स हो गए थे स्मजी टाइप और अच्छे नहीं लगते थे मुझे, तो मैंने स्मजी कर रखे हैं थोड़े हेयर्स। तो यहाँ अगर मैं बिल्कुल डीप जूम करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ ब्रश स्ट्रोक्स हैं मेरे, तो सिंपल ब्रश स्ट्रोक्स के लिए आप 3 तक जाएं और फिर जैसे भी हैं ये देख सकते हैं आप, मैंने करके दिखाया भी आपको, तो ऐसे ही इजीली आप भी ड्रॉ कर सकते हैं।
और फिर जब उन्हें उसे आप दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा वहाँ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी सच में। और फिर शोल्डर के ऊपर यहाँ ये थोड़ी कम रह गई थी तो मैंने इसे बाद में भी करा था। और फिर यहाँ मैंने ओपेसिटी लेयर कर रखी है। अब ये ओपेसिटी लेयर क्या है यहाँ पे और इसका क्या रोल था? तो यहाँ ओपेसिटी लेयर देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रही है मेरे इमेज को। तो इसे जनरेट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, न्यू लेयर बनाए ब्रश, जो भी आपको पसंद हो कलर, जिस कलर की शेडो चाहिए हो आपने करना, और ओपेसिटी को ले जाए बिल्कुल डाउन। तो ये एक फंडा यार जो खुद से मैंने जनरेट कर रखा है, मैंने किसी को कॉपी नहीं करा ये वाला फंडा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे सिंपल सिंपल स्ट्रोक्स करने हैं आपने ऐसे ऐसे। तो ये अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको वो अलग से और उभरे हुए दिखेंगे, बस सिंपल यही है। और फिर मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से कर रखे हैं ये सारे स्ट्रोक्स। अगर आप नोटिस करेंगे तो ग्रीन कलर है, तो आप ग्रीन कलर आराम से जहाँ जहाँ आपको लगता हो वहाँ वहाँ पेंट करें यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ जस्ट ट्यूटोरियल पर्पस के लिए, लेकिन जब आप ध्यान से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग होती है, थोड़ा 45 to 50 मिनट्स लगेंगे आपको क्रिएट करने में। और अगर आपको कभी लगे किसी पॉइंट पे कि हाँ मेरी ये ओपेसिटी लेयर ज़्यादा हो रखी है, तो आप अंडरलाइन लेयर को ज़रूर सेपरेट करें, ठीक है। ये आपको बहुत सपोर्ट करेगी, देख सकते हैं आप। उसके बाद हैंड का था, हाँ, क्योंकि जहाँ से लाइट क्रिएट हो रही है वहाँ पे होना चाहिए, और फ्रेम के पास नहीं होती है ये ग्लो। जब आप देखेंगे नेट पे किसी के भी मतलब फोटो में हैंड जब ग्लो हो रहे होंगे तो नीचे रहता है, हाथ के पास नहीं रहता है। तो ये थोड़ी चीज़ें आपने नोटिस करनी है, नेट पे देखने हैं लोगों की चीज़ें, उससे आपको पता चल जाएगा। और अब मेन पार्ट की तरफ आते हैं, वो है क्रो। ये एस्पेन आर्ट से इंस्पायर्ड था क्रो, जो मेरे को बहुत पसंद था और मैं इसे अराउंड रफली बहुत टाइम से करना चाहता था इस चीज़ को। तो मुझे इस बार मौका मिला कि हाँ मैं अपनी फ़ोटो में क्रो डाल दूँ। कोई क्रो का सीन था ही नहीं इसमें, मैं डालना ही नहीं चाहता था, लेकिन तब भी एक एड ऑन चीज़ चाहिए होती है कि अच्छा लगे। तो यहाँ सिंपल स्ट्रोक्स हैं। अब इसे कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू लेयर ब्रश, आप ब्लू ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए कलर, ओपेसिटी फुल रखें, और जस्ट जो भी आपके मन में है स्ट्रोक्स वैसे ड्रॉ करिए, ठीक है। जब आप ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद एक लेयर बनानी है आपने ओवरले की, और उसमें सेलेक्ट करना है वाइट। अब जैसे ही आप वाइट सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनर ग्लो कैसे आ गया आराम से, ठीक है। तो उसे ऐसे ऐसे ड्रॉ करते करते ले जाना है हमने। अब देखिए यहाँ पे ये बाहर चला गया ना जैसे ही, तो ये अलग कलर पकड़ लेगा, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से यूज़ करना है। और जब आप इसे दूर से देखेंगे तो वो ब्लू आई लग जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा और अच्छा लग रहा है वो। तो ऐसे ही है ये ड्राइंग का, और कुछ नहीं है, जस्ट थोड़ा ध्यान से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। और मैंने यही यहाँ कर रखा है ओवरले की लेयर पे, देखिए ग्लो। और फिर उसके बाद मैंने एक और लेयर डाल रखी, थोड़ी सी और शेडो बढ़ा रखी, और कुछ नहीं करा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ मैंने थोड़ा और पेंट कर रखा है यहाँ आई ईयर्स के पास, ये देखिए ईयर्स के पास मैंने बहुत अच्छे से ड्रॉ करा था हर चीज़ को, लेकिन इंस्टाग्राम पे रियल हो गई क्वालिटी तो इसलिए वो अच्छी नहीं दिख रही है वहाँ पे। और इसके बाद यहाँ थोड़ा कुछ था नहीं इतना, हाँ यहाँ पे था आरजीबी स्पेक्ट्रम,
आरजीबी स्प्लिट है यहाँ पे यूज़। तो आरजीबी स्प्लिट कैसे करते हैं, वो है रेड चैनल पहली लेयर में सेलेक्ट करना है, फिर अगली में ग्रीन, अगली में ब्लू, ठीक है। इससे क्या क्रिएट होगा, आपका एक स्प्लिट इफेक्ट होएगा। तो स्प्लिट इफेक्ट थोड़ा मैंने हेयर्स भी इंक्रीज कर रखे थे। स्प्लिट इफेक्ट कैसे कहते हैं ये देखिए, आप आपको डिफरेंस दिख जाएगा अपने आप, बहुत छोटा सा है। लेकिन ये आई थिंक मैंने देखा था SB ट्यूटोरियल्स में था, उस भाई की फोटो में था, तो ये अच्छा लगा था मुझे तो मैंने यूज़ कर रखा है इसलिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ही है सटल, और जब आप इनको स्प्लिट कर लेंगे तो किसी लेयर को आगे या पीछे कर देना, वी दबा के जब आप आगे पीछे कर देंगे इमेज को, तो आप देख सकते हैं कितना इंक्रीज हो गया है वो 3D टाइप वाला लुक। तो जो भी आपको जहाँ तक लुक चाहिए, मैंने बस थोड़ा सा स्प्लिट कर रखा है कि थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मैंने कर्व्स डाल रखे हैं, कर्व से मैंने वही पार्ट हाईलाइट करा है जो मुझे आपको शो करना है, ठीक है। एट दी एंड करते हैं ये हमेशा, तो मैंने उसी उसी पार्ट पे जस्ट कर्व यूज़ कर रखे हैं। तो ये थोड़ा सा सिंपल नीचे है एक डब्बा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर दिया फिर उसके बाद मैंने। तो जब आप ये ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करेंगे तो इसे सबसे पहले आप ना ऑटो पे प्रेस करेंगे, ठीक है। जो ऑटो टेक्निक होगी फोटोशॉप की वो अपने आप देखेगा, और वो एक आपको एक प्रोवाइड करेगा, नंबर्स प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। तो वो ये रहती है कि वो ऑटो डिटेक्टेड रहती है, और वो फ़ोन के व्यू टाइप से बहुत अच्छी रहती है, इसलिए आप ऑटो पे प्रेस करें और फिर उसे बाद में मैन्युअली खुद एडजस्ट करें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये ट्रिक रहती है कि किसी बंदे की अगर फोटो ब्राइट नहीं आ रही है इंस्टाग्राम पे, तो आप ये वाला ऑटो जरूर यूज़ करें। फिर उसके बाद मैंने स्टैम्प आउट कर दिया, और थोड़ा 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 मैंने लिक्विफाई यूज़ कर रखा है कि जहाँ जहाँ शर्ट मुड़ रही थी उनको इधर उधर कराया है, और थोड़ा गेन कर रखा है यहाँ हाथों पे। तो ये एक सिंपल सी टेक्निक रहती है जो आप यूज़ करते हैं। लिक्विफाई अगर आपको नहीं आता तो वो यहाँ से होता है शिफ्ट कमांड एक्स, और ये होता है आपका टूल। तो आप इससे जहाँ भी घुमाना चाहें, तो ये आर्ट बन गया, MF उसे ये आर्ट हो गई है। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा आर्ट बन गया मेरी इमेज का, पता ही नहीं चल रहा क्या बना दिया मैंने, ठीक है। लेकिन अच्छा लग रहा था देखने में, और ये है फाइनल आउटपुट। थैंक यू गाइज, आपने अगर मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। 7,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और बहुत बड़ी बात होती है यार, आपने 7,000 सब्सक्राइबर करवा देंगे मेरे, मुझे भरोसा है। और प्लीज़ कमेंट डाउन करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से इंस्टाग्राम पे ज़रूर बात करें आके। और सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए प्लीज़ DM ना करें, अगर आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम कहीं और सॉर्ट आउट हो सकती है। ट्यूटोरियल्स देखें आप नेट पे ज़्यादातर, मैं कुछ इतना आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं कोई यूज़ नहीं करता, और मैं आईपैड यूज़र हूँ, कोई फालतू में व्हाट्सएप व्हाट्सएप ना करें। थैंक यू गाइस।